हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट गैलरी। आई होप ऑल यू आर गुड। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्लांटर्स बनाना सीखने वाले हैं। DIY प्लांटर्स घर पे ही बनाने हैं, बहुत इजी तरीके से और पॉकेट फ्रेंडली भी है, जो आपके टेबल, कॉर्नर, किसी भी जगह को बहुत अच्छा डेकोरेटिव बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके लिए क्या कर रही हूँ मैं, ऐसे दो कूलर लिया है मैंने, जो मेरे तरह से क्ले से काम नहीं करना चाहते तो आप सिंपल उसको कलर से भी, एक्रेलिक कलर से, डॉट टूल से भी डेकोरेटिव बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारे ड्राई होके भी रेडी है। अब बारी आती है कलर की,
तो कलर के लिए मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर बेस कोट के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आप जैसो यूज़ करना चाहते हैं तो आप पहले फर्स्ट कोट सरफेस पे जैसो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे जैसो यूज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली ही एक्रेलिक कलर से उनको पेंट कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की मदद से। कलर आप अपने हिसाब से चॉइस कीजिए। तो दो कोट दे दूंगी यहाँ पे। कोकोनट शेल को मैंने वाइट कलर अप्लाई किया है, इनके ऊपर मैंने नहीं किया है। और ड्राई हो जाने के बाद जो पुट्टी बची थी उसमें से मैंने कॉर्न बना लिया है, और उसी से आप उसके ऊपर इस तरह से 3D इफ़ेक्ट से कोई भी पेंटिंग या डिज़ाइंस कर सकते हैं। आपकी बची हुई पुट्टी का भी यूज़ हो जाएगा। और अगर आप ऐसा कॉर्न नहीं बनाना चाहते तो आप 3D लाइनर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 3D लाइनर से भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसी तरह से मैं पूरी छोटी छोटी डिज़ाइन से इस कुल्हड़ों को भर दूंगी। आप कलरिंग भी यूज़ कर सकते हैं 3D लाइनर्स। ओके, लेट इट ड्राई। ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और अब देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं दूसरे को भी इसी तरह से पूरे डिज़ाइन से भर दूंगी। इसके ऊपर आपको क्या डिज़ाइन करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे उस तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर आप मेहंदी में एक्सपर्ट है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये करना। उसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ा है। बाकी की डिज़ाइन मैं बाद में कंप्लीट करूँगी। तब तक मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेटिव कर देती हूँ इनको भी कलर करके, ताकि हमारे ये प्लांटर भी बहुत अच्छे लगे। एक बार आपका कलर काम हो जाने के बाद इसके ऊपर